नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उड़िया मिलकर भैया। और भैया आज हम लोग घूम रहे हैं गुमटी नंबर 5 में। इस समय मैं खड़ा हूं भाई, इधर से ये गुमटी नंबर 5 से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंदर की तरफ, बैंक ऑफ बड़ौदा है के जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ये बढ़िया सी मेरे को शॉप नज़र आई है। और जी वीर जी कुलचे छोले कॉर्नर, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्या क्या मिलते हैं, कुलचे छोले मिलते हैं, राजमा चावल मिलता है, छोले चावल मिलता है, कढ़ी चावल मिलता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं उनसे, बात करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ लगवाते हैं और इसका टेस्ट लेके बताते हैं इनका स्वाद कैसा है। तो दोस्तों हम लोग इस समय आ चुके हैं काउंटर पे, क्योंकि वीर जी कुलचे छोले कॉर्नर वालों के काउंटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमको सही में वीर जी मिल गए। यहाँ पे वीर जी, भाई वीर जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर जसविंदर सिंह नाम है सर। जसविंदर सिंह जी नाम है, ठीक है। तो वीर जी ये बताइए यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपके पास? सर अपने पास कुलचे होंगे, आलू गोभी पनीर मिक्स, मिस्सी रोटी, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, इतनी सारी वैरायटी एक ही काउंटर पर मिल जाती है। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये इंडियन खाने का सारा पूरा आइटम आप दे रहे हैं, क्या टाइमिंग है शॉप की आपकी? सर सुबह सुबह 9:30 से 5:30 तक है सर। अच्छा भाई, जैसे हम गुमटी आते रहते हैं, ये लोकेशन क्या पड़ती है? सर ये अपोजिट है न्यू बसंत टॉकीज के। न्यू बसंत टॉकीज, अभी हमको जब हम गुमटी आते रहते थे, अभी ज्यादा दिन तो हमको लग रहा है आपको हुआ नहीं, कितने दिन? नहीं सर, सर अभी एक हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ते हुआ है, जी जी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे शुरू किया है, कैसा रिस्पांस आपको लोगों का मिल रहा है? सर बहुत बढ़िया रिस्पांस है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना मेन्यू है कोई दिखाइएगा? जी सर मेन्यू, तो दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया सा इनका मेन्यू है, ठीक है, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस है, ठीक है। ये इनकी प्लेटें हैं, जैसे ये आलू कुलचा है तो इसमें कितने कुलचे होते हैं? सर आलू कुलचा एक होता है, अमृतसरी कुलचा बड़ा होता है सर, ठीक है, ये बड़ा होता है। और साथ में आपका इसमें आटे का भी कुलचा उपलब्ध है, मैदे का भी कुलचा उपलब्ध है। क्या बात है, तो आटे और मैदे में कुछ फर्क है? सब प्रिपेयर अमूल बटर से होता है, अमूल बटर से ही होता है, न्यूट्रलाइट का कोई इस्तेमाल नहीं करता हूं। क्या बात है, ठीक है। अपना काउंटर दिखाएगा, काउंटर में क्या क्या है अपने पास? ये सर अपने राजमा है, ये राजमा देख लो भैया, ये वीर जी का राजमा है, ठीक है, ये राजमा हो गए, ठीक है। कड़ी, कड़ी पकौड़ा, क्या बात है भाई, एकदम स्टाइल है, कड़ी पकौड़ा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर चना मसाला है, चना मसाला जी, ठीक है, चना मसाला है सर, क्या बात है जी जी। तो ये खूबसूरत सा पूरा भर के आप लाते हैं, बढ़िया तरीके से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इधर ये आपके तंदूर लगा हुआ है? जी सर, ये अपना। तो दोस्तों देख रहे हैं ये इनका तंदूर लगा है और ये इनके कुलचे इस तरह से प्रिपेयर होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ आलू के और मैदे के सब तरह के कुलचे मिलते हैं, मैदा सब मिलेगा सर आप, क्या बात है। तो भाई आज हमें ट्राई क्या करना चाहिए यहाँ पे? सर आप मिक्स कुलचा ट्राई करिए, मिक्स कुलचा है, मजा आएगा आपको खाने में जी, ठीक है। और यहाँ कढ़ी चावल, कढ़ी चावल भी अच्छे हैं अपने, चलिए ठीक है, लगाएगा हम, देखते हैं इसकी मेकिंग, दिखा सकते हैं कुलचे की? जी जी मेकिंग हो रही है सर, देखिए सामने, आइए मेकिंग दिखाते हैं आपको दोस्तों, नया कुलचा एकदम भरवाते हैं, उसकी मेकिंग दिखाते हैं, रुक जाइए। तो भाई अभी हम लोग लगवा रहे हैं कुलचा, ठीक है भाई, एक लग रहा है आटे का और एक लग रहा है मैदे का, ठीक है, ये मिक्स कुलचा लग रहा है, मिक्स का मसाला बना बेटा, ठीक है। मिक्स का मसाला पे क्या क्या मिक्स होगा भाई? गोभी, आलू, पनीर, तीनों मिक्स किया जाएगा। क्या बात है, मतलब जो जो चीजें आपके यहाँ मिलती है, गोभी का मिलता है, पनीर का मिलता है, आलू का मिलता है, तो तीनों आपने मिला दिए, मिक्स का कुलचा बना दिया, ठीक है। मिक्स की फिलिंग देख लीजिए दोस्तों, ये है क्या आ गया, ये मिक्स का कुलचा पूरा मसाला, क्या बात है दोस्तों, देख रहे काफी हैवी क्वांटिटी में मसाला बनाया है भैया ने और उसमें भर दिया डो में, क्या बात है, ठीक है। और यहाँ पे आटे का भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई कुलचा हो तो आटे का मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, तो आटे का कुलचा भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा होगा मैदे का ही कुलचा आपको हर तरफ मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको आटे का भी मिलता है और फिलिंग में कोई कमी नहीं है भाई, बढ़िया सी फिलिंग है, ये देखिए। और भाई कुलचों के साथ क्या छोले देते हैं या राजमा देते हैं? राजमा है, कढ़ी, जो कस्टमर चाहे वो दिया जाएगा, तीनों में से एक आइटम मिल जाएगा, क्या बात है। तो दोस्तों आपकी चॉइस पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो भैया अब हमारा मिक्स कुलचा लग रहा है, ठीक है, इस मिक्स कुलचे के ऊपर से क्या क्या आ रहा है भाई? कसूरी मेथी धनिया, मेथी धनिया, कसूरी मेथी धनिया, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं एकदम भर भर के मसाले, कसूरी मेथी धनिया आ गई है, बढ़िया सी खूबसूरत सी लग रही है, देख रहा हूँ ये कसूरी मेथी, क्या बात है भाई। और ये आ गई धनिया, ठीक है, अब ये जाएगा भाई सिकने के लिए तंदूर के अंदर, डाल डाल
रहे हैं, आप हमारे कुलचे प्रिपेयर होकर निकल आए हैं, और इसके ऊपर लग रहा है भैया अमूल मक्खन लग रहा है, ठीक है, ये देखिए, और ये कटिंग हो रही है कुलचों की, बढ़िया तरीके से अमूल मक्खन प्रिपेयर करके भैया ने लगाया है, देख रहे हैं, और इस तरफ ये मैदे वाला है ना भाई, ये मैदे वाला है, ठीक है, और ये सर्विंग होती है, इसमें जा रहा है सबसे पहले छोला जा रहा है, ठीक है, और भैया यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, आप छोला रिफिल करवा सकते हो, दोबारा ले सकते हो, ठीक है, छोले के साथ चटनी भी दे रहे हैं साथ में, ये देखिए, और ये आ गया रायता आ गया, ठीक है भाई, प्याज भी आ रहे, क्या बात है भाई, और ये हरी मिर्च, ठीक है, और ये कंप्लीट है, इस तरह से, ठीक। तो भैया अभी अभी हम लोगों ने वीर जी कुलचे छोले कॉर्नर पे बनवा लिया है, इनके स्पेशल से मिक्स कुलचे बनवाए हैं, ठीक है, मिक्स कुलचा इनके यहाँ दोनों तरह के मिलता है, और इसका प्राइसिंग देख रहे हैं, मिक्स कुलचे का 70 रुपये है, 70 रुपये पनीर का होता है, मिक्स कुलचा इनका 60 रुपये का है मात्र, ठीक है, आलू कुलचा भी इनके पास मिलता है, गोभी कुलचा भी मिलता है, ठीक है, कई तरह के कुलचे हैं, साथ में यहाँ पे आपको छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल मिलता है, ठीक है भाई। तो हमने भैया जो कुलचे की प्लेट लगवाई वो कौन सी लगवाई, पहले हमने ये मैदे वाला कुलचा लिया था जिसमें मिक्स कुलचा है, ठीक है, इसके साथ ये देख रहे हैं, ये कुलचा है, कुलचे की फिलिंग देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया सी है, और इसके साथ आप यहाँ पे राजमा भी ले सकते हैं, कढ़ी भी ले सकते हैं, और छोले भी ले सकते हैं। तो हमने एक प्लेट में लिया है थोड़ी सी छोले, थोड़ी सी कढ़ी, और थोड़े से राजमे, ठीक है, वो खाते हैं, भैया ये कुलचा जो एकदम कड़क सा है, एकदम चुर चुर कर रहा है, लेकिन अंदर की जो फिलिंग है काफ़ी सॉफ्ट सी है, बढ़िया सी, क्योंकि जो फिलिंग में पनीर है, गोभी, आलू, उसका बढ़िया सा टेक्सचर बन करके निकल गया है, बढ़िया स्वाद आ रहा है, साथ में देख रहे हो ये भाई आटे का कुलचा, ठीक है, इसको तोड़ते हैं, ये देखिए ये, और इसके साथ लेते हैं भाई छोले, छोले इनके टिपिकल पंजाबी स्टाइल के छोले हैं, देख लो, भैया एकदम होम स्टाइल है, बढ़िया सा फ्लेवर दे रहे हैं छोले, ठीक है, और जो छोलों में स्पेशल थी इनकी हरी चटनी पड़ी, उसका काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है निकल करके। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या भैया कभी भी उसमें कानपुर आने वाले हैं, क्या करिए, जब भी आप कानपुर में गुमटी नंबर 5 आइए ना भैया, सुबह के समय, सुबह 9:30 बजे भैया ये आ जाते हैं, 9:30 से शाम के 5 बजे तक रहते हैं, यहाँ पे न्यू बसंत टॉकीज के जो सामने इनकी शॉप अभी खुली है, कौन सी, वीर जी कुलचे छोले कॉर्नर की। तो दोस्तों ज़रूर आइए इनके पास, इनके पास मिलते हैं आपको सुबह की बहुत सारी नाश्ते की वैरायटी, और भैया वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए, कमेंट करिए, और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।